राजस्थान में कहर बनकर गिर रही मानसून की बारिश ने लोगों को चिंता में डाल दिया। प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों बारा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक में फिर से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इन जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इनके अलावा अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर, चुरू और नागौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र आज उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर स्थित है। मानसून की ट्रफ लाइन आज बीकानेर और परिसंचरण तंत्र से होकर गुजर रही। इसके प्रभाव से राजस्थान के 5 जिलों में अति भारी और 13 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इनके अलावा चित्तौड़गढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में सामान्य बारिश के प्रबल आसार बने हुए हैं, लिहाजा राजस्थान के वासिंदों को सतर्क रहना होगा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आगामी एक सप्ताह तक जारी रह सकती हैं। इस दौरान जयपुर समेत अजमेर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 5 से 6 दिन मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश होने के आसार है। इसके साथ ही शेखावाटी इलाके में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बारिश के कारण अभी प्रदेश भर में तापमान गिरा हुआ है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। राजस्थान में शुक्रवार को बीकानेर के खाजूवाला इलाके में बादल इस कदर बरसे कि खाजूवाला कस्बे समेत आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। कोटा के ग्रामीण इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया। प्रतापगढ़ जिले में भी बादल जमकर बरसे। जोधपुर में लूनी नदी में 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। भीलवाड़ा शहर में सड़क धंस गई। जयपुर में दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। इससे जगह जगह जाम के हालात बने रहे।